हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आज हम एक नई रीडिंग शुरू करेंगे। ये जो रीडिंग है ये आपकी फ्यूचर योर सेल्फ के साथ में है, मतलब आप फ्यूचर में जो भी सोचेंगे कि किन चीज़ों से आप गो थ्रू होकर गए हैं, कौन सी चीज़ों ने आपकी लाइफ चेंज की है, क्या हुआ था आपकी लाइफ में, ये सारी चीज़ें जो है मैसेज टू योर सेल्फ, ये एक रीडिंग है। तो ये पीका कार्ड रीडिंग है फ्रेंड्स। तीन पाइल यहाँ पर है, तीनों में से कोई भी एक पाइल आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपकी रीडिंग रहेगी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें ज़रूरत है। तो देख लेते हैं हम आज के क्या क्या कार्ड्स हैं। आज के जो पाइल है, पाइल नंबर 1 एस ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2 है द जजमेंट, एंड पाइल नंबर 3 है पेज ऑफ कप्स। जिस भी कार्ड के साथ में आपको कनेक्टिविटी लग रही है वो कार्ड आप सेलेक्ट कीजिए एंड टाइम स्टैम्प में आपको टाइम मिल जाएगा आपके पाइल का। हेलो पाइल नंबर 1, ये है आपकी रीडिंग। आपने सेलेक्ट किया है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो फ्रेंड्स, जब भी फ्यूचर में आप अपने बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि कितने वर्स्ट सिचुएशन से आप गुजरे हैं एंड कैसे आपने इनिशिएटिव लेना शुरू किया। ये इनिशिएटिव जो आपने लिया है ये मुझे काफ़ी सारी चीज़ों में ऐसा लग रहा है, काफ़ी सारे लोगों के लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड लग रहा है, कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड लग रहा है एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है इस वक्त आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो अक्सर आपका क्रेडिट ले लेता है। तो उसके लिए किस तरीके से आपने इनिशिएटिव लिया था उस बारे में आप एक बार ज़रूर पीछे मुड़कर देखेंगे अपने पास्ट में एंड इन्हीं चीज़ की वजह से आपकी लाइफ चेंज हुई है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे, आप बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा लोगों से बात वगैरह नहीं करते थे, तो ये चीज़ें आपने बदली है। आने वाले टाइम में आप ये चीज़ें बदलेंगे या फिर अभी आप इस पर काम कर रहे हैं। देख लेते हैं पाइल नंबर वन सबसे पहले क्या एनर्जी रहेगी आपकी। द फेट्स, तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है किस्मत ऑलरेडी आपके साथ रहेगी, आने वाले टाइम पे भी किस्मत आपके साथ में है एंड आप काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस जो है वो आपका बहुत हाई रहेगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये चीज़ें सिर्फ मेरे साथ में ही क्यों हो रही है, मैं ही क्यों इतना अनलकी हूँ या मैं ही क्यों इतनी अनलकी हूँ, ये चीज़ें आप नहीं सोचेंगे। एक्सेप्टेंस में एक्सेप्टेंस की भावना आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी। चलिए देख लेते हैं करियर एंड पर्सनल लाइफ वाइज क्या रहेगा आपका फ्यूचर। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, माय गॉड सारी एयर एनर्जी है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा एयर एनर्जी है। आप देख सकते हैं सारे स्वॉर्ड्स यहाँ पर आए हैं, एक ही पेंटिकल आया है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग राशि आई है, सबसे स्ट्रॉन्ग साइंस जो आए हैं वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इसी के साथ साथ है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात ये है आपके करियर वाइज कि आप अपने करियर में, अपने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एक अच्छी पोजीशन पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक अच्छे डेजिग्नेशन पे दिखाई दे रहे हैं, एक अच्छी डेजिग्नेशन पे दिखाई दे रहे हैं। एक नई शुरुआत जो आपने अपने करियर में की है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ डाउट्स जो है वो हमेशा आपके साथ में रहेंगे, बहुत बड़े बड़े नहीं, कुछ छोटे छोटे डाउट्स जो है, लेकिन उस टाइम पे भी मुझे इन सब चीज़ों से आप लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डाउट्स भी हो सकते हैं या फिर कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हैं जो आपको अक्सर कंफ्यूज करते हैं या फिर आपको आपका काम ठीक से नहीं, अगर वो आपके अराउंड रहे तो आप वो काम ठीक से नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों के साथ में भी अब आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन मोड में रहेंगे।
फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, फ्रेंड्स आप इतने ज़्यादा काम में बिजी रहेंगे, एक तो आपकी बहुत ज़्यादा हाई मुझे एनर्जी भी दिख रही है, बहुत ज़्यादा हाई आपकी पोजिशन भी दिख रही है, इसके चलते है ना आपके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहेगा, वर्क प्रेशर मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे देख पा रही हूँ, एंड जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा आपकी हेल्थ में भी इफेक्ट पड़े आपके फ्यूचर में। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स में भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आप प्रेशर में हैं, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा आप मुझे स्मार्ट वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप धीरे धीरे कामों को करना बंद करें, जो भी आपका ऑफिशियल काम है, अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप अपना एक सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, या फिर आप कोई ऐसा बंदा ढूंढेंगे जो आपका साथ दे सके, एंड आप क्या करेंगे उस कामों को खुद को थोड़ा सा लेस में बांटेंगे और उसको थोड़ा सा ज़्यादा बांटेंगे, जो कि रिक्वायर्ड भी है, क्योंकि ऑल द टाइम आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, इसके बाद में आप टर्न होने वाले अपने फ्यूचर में स्मार्ट वर्क में। अब सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अकेले नहीं लेंगे, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अकेले ले रहे हैं, जितने भी काम है वो सारे कामों को आप अकेला करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, चीज़ें आपकी आपके पार्टनर के साथ या फिर आपके कलीग के साथ बट जाएगी। पर्सनल लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है ना फ्रेंड्स कि कुछ तो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपके सामने में आएगी जिन चीज़ों में आपको एक्शन लेना पड़ेगा, सही या गलत का जो चीज़ें हैं वो आपके सामने में आते हुए देख पा रही हूँ। मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए उनके मैरिज से रिलेटेड या फिर उनके लव लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें लग रही है जिसमें आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी अग्रेसिव मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सनल रिलेशनशिप में, काफ़ी सारे लोग आपके अराउंड ऐसे भी रहेंगे फ्रेंड्स जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे क्या सही है या क्या गलत है, एंड उसकी वजह से आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा हर्ट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोग आपके अराउंड ऐसे रहेंगे जो आपको भड़काएंगे आपके पार्टनर के अगेंस्ट, एंड जिसकी वजह से आप हो सकता है उनसे हेट करना शुरू कर दें अपने पार्टनर से, या हो सकता है कि उन्हें गलत समझना शुरू कर दे कुछ गलत फहमियाँ भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, लेकिन इसके बाद में आपको रियलाइज़ भी होगा कि आपने गलत किया है, एंड चीज़ें आपके एक ड्रामेटिक वे में मैं चेंज होते हुए देख पा रही हूँ। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पेरेंट्स या उनके अगर होते हैं ना कि दीदी आपके कोई बड़ी बहन है, बड़े भैया है, उनकी मैरिड लाइफ में भी आपको इंटरफेयर करना पड़ेगा, आपके इंटरफेरेंस की यहाँ पे मैं चांसेस देख रही हूँ कि आपको इंटरफेयर करना पड़ेगा अपने से बड़ों के किसी कपल में, कोई भी हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, कोई आपके कजन्स हो सकते हैं, तो आपका इंटरफेयर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो कि ज़रूरी भी है, आप चीज़ों को क्लियर करेंगे आने वाले टाइम में। चलिए एक्स्ट्रा मैसेज हम देख लेते हैं। टू ऑफ कप्स, आप जिस भी टाइम पे आप अपने आप को सोच रहे, देखिए ये जो टाइम है ना, ये ऐसा नहीं है कि एक साल बाद दो साल बाद, जो भी आपके दिमाग में जो टाइम आ रहा है ये उस टाइम के लिए है, उस टाइम के लिए आपकी रीडिंग है। तो मैं आपकी एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ में देख पा रही हूँ, बिजनेस या जॉब में भी एक बहुत अच्छा कलीग का साथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, एंड आप दोनों मिलकर, अगर पर्सनल लाइफ में, तो आप दोनों मिलकर चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्मूथली चलाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपकी चीज़ें चलेगी, बिजनेस और जॉब में जो आपकी पार्टनरशिप रहेगी काम की वो भी बहुत ऑसम रहेगी, एंड काफ़ी सारे लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। चलिए देख लेते हैं आपके लिए सेल्फ मैसेज क्या है। पैशन, जिस भी काम में आप रहेंगे, आप अपने जॉब में रहे या आप अपने बिजनेस में रहे, काफ़ी पैशनेटली आप काम करेंगे, एंड कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है जो भी आपके पार्टनर रहेंगे, हस्बैंड या वाइफ रहेंगे, उनसे बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्यार दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा डीपली इन लव आप उनके साथ रहेंगे। तो पॉइंट नंबर वन ये थी आपकी रीडिंग। मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर टू, ये है आपकी रीडिंग, आपने सेलेक्ट किया है पाइल नंबर टू द जजमेंट का कार्ड। सो फ्रेंड्स, जो भी जिस भी टाइम के बारे में आप अपने बारे में सोच रहे ना फ्यूचर में, उसमें आपकी लाइफ जो है वो इस तरीके से चेंज होगी कि कुछ चीज़ें हैं इस वक्त जो आपकी लाइफ में चल रही है, या हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में वो चीज़ें आपके साथ में चलें जिसमें आप बिल्कुल करेक्ट डिसीजन लो,
लोग कह रहे हैं ए साइड, दो साइड होते हैं ना, ए साइड एंड बी साइड, ये दो साइड है, आपने सेलेक्ट किया है ए साइड, लेकिन लोग कह रहे थे कि नहीं आपने ए साइड नहीं सेलेक्ट करना चाहिए था, आपका बिल्कुल ठीक नहीं होगा एंड ऑल दैट, नो सब निगेटिविटी आपके लिए फैला रहे थे एंड लोगों ने सेलेक्ट किया पॉइंट नंबर बी। लेकिन क्योंकि आपने पॉइंट नंबर ए सेलेक्ट किया था, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है इन पॉजिटिव वे, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, आपका करियर बहुत अच्छा हुआ है, तो ये चीज़ों से आपकी लाइफ बदली हुई है। ये चीज़ें, ये जो बात है, ये आपका फ्यूचर योरसेल्फ आपको बता रहा है। चलिए देख लेते हैं रीडिंग। सबसे पहले आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि क्या रहेगी फ्यूचर में फ्लेक्सिबिलिटी की। तो मुझे लगता है ये जो चीज़ें हैं ना, जो जो आप सेलेक्ट करेंगे, जो लोग कह रहे थे कि नहीं ये आपके लिए सही रास्ता नहीं है, गलत रास्ता है, उसमें आप मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल दिखाई दे रहे हैं। वो चीज़ों से आप अपने आप को इतने अच्छे तरीके से ढाल दिया है कि आप किसी भी सिचुएशन में आप रहने के लिए तैयार हैं, किसी भी सिचुएशन में रह सकते हैं, किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं करियर वाइज एंड पर्सनल लाइफ वाइज कैसा रहेगा आपका फ्यूचर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। होप आपको कार्ड दिख रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए कर लेते हैं रीडिंग। तो यहाँ पर जो साइंस आए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई भी यहाँ पर है एंड पाइसेस स्कॉर्पियो कैंसर भी यहाँ पर है। अभी तक मुझे यहाँ पे फायर साइन नहीं दिखा है। तो फ्रेंड्स सबसे अभी क्या होता है कि इस वक्त आप जिस भी पोजिशन में हैं, आने वाले टाइम में एक नया डिसीज़न आप लेने वाले हैं, ठीक है। और ये जो नया डिसीज़न है, आपके करियर वाइज में बता रही हूँ, ये जो नया डिसीज़न है ना, ये आप अपने पास्ट को ध्यान में रख के, पास्ट में आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपके साथ में हुए हैं, जिसकी वजह से, जिसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने के बाद आप ये डिसीज़न ले रहे हैं या लेने वाले हैं एंड वो एक बहुत बड़ा डिसीज़न होगा उसमें आपको। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप जॉब भी करते हैं तो जॉब के साथ साथ में भी कोई दूसरा आपका छोटा मोटा कोई बिज़नेस है, लेकिन आप उसको बहुत शिद्दत से चला रहे हैं, या फिर जो लोग यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं उनके एक से ज़्यादा बिज़नेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो जिसमें वो लोग बहुत ज़्यादा बिजी, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, बहुत ज़्यादा मेहनत आप यहाँ पर कर रहे हैं एंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास में एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, बिजनेस है या जॉब है, अगर एक जॉब है तो उसके साथ साथ भी कुछ ऐसा आप कर रहे हैं साइड बाय साइड, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे आने वाले टाइम में। अगर आप केवल एक जॉब कर रहे हैं इस वक्त या फिर अभी आपका सिर्फ एक बिज़नेस है, तो आने वाले टाइम पर आपके एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कम्प्लीटली बिजी रहेंगे आप, आपके मतलब इतना बिजी रहेंगे कि खाने पीने के लिए भी आपके पास में उतना टाइम नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत आप करेंगे एंड इसमें मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको रिज़ल्ट भी मिलने वाला है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जितनी मेहनत करेंगे ना उसमें, अगर आप 100% मेहनत करें तो ये इस मेहनत में, ड्यूरिंग ये टाइम नो, जिस टाइम में आप मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद वाले टाइम में आपकी मेहनत आधे से कम हो जाएगी। आप दो दो चीज़ों में अगर बैलेंस करने की कोशिश करें तो आराम से बैलेंस हो जाएगी, वो थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, लेकिन ये जो है 90% काम आप उसी ड्यूरेशन में, आपके मेहनत वाले ड्यूरेशन में कर ले रहे हैं। चलिए आपकी पर्सनल लाइफ में देख लेते हैं। द लवर्स बहुत अच्छा पार्टनर, टू ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा टू ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, टू ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर मुझे आपके जो लवर है, जो आपके पार्टनर है, आपके शादी वाले या फिर रिलेशनशिप वाले, वो आपसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड है एंड सिर्फ आपसे ही नहीं, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। आप में से मुझे लगता है आपके पार्टनर, प्रोबेबली आपके पार्टनर टैरो कार्ड रीडर होंगे या ज्योतिषी होंगे, कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगे, मतलब स्पिरिचुअल से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ना, वो कुछ तो ऐसे होंगे जिससे उनकी बातें सच होती है। मुझे प्रेडिक्शन के बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं
एंड जो भी आपके पार्टनर रहेंगे वो जॉब भी करेंगे, मतलब घर संभालने के साथ साथ कोई बिजनेस या जॉब भी कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं करेंगे वो। एंड उनके भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। आप में से जो लोग बिजनेस करते, हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ ही मिलकर ये बिजनेस आने वाले टाइम में संभालें। एंड बहुत अगर आपने अपने पार्टनर को इन्वॉल्व कर लिया अपने बिजनेस में तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इसी के साथ साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके बच्चे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके फ्यूचर में। एंड एक से ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, एक से ज़्यादा आपके हो सकते हैं। कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए एक्स्ट्रा मैसेजेस हम देख लेते हैं आपके लिए। 10 of Wands, कुछ चीज़ों से, कोई जो रिलेशनशिप है या कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आप दूर जाएंगे फ्रेंड्स, आई मीन उन चीज़ों को आप चिपक कर नहीं बैठेंगे। होता है ना, कोई चीज़ हमारे माइंड में घुस जाते हैं और उसकी वजह से हमारा सारा दिन ख़राब हो जाता है, आने वाला टाइम सारा ख़राब हो जाता है, तो वो चीज़ों से आप निकलेंगे। आपके कोई एडिक्शन भी हो सकता है तो एडिक्शन से भी मुझे आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। एक्स्ट्रा मैसेज देख लेते हैं हम आपके लिए। ब्रीथ, देखिए ये भी है, यहाँ पर भी एडिक्शन से, अगर कोई एडिक्शन है आप में तो उससे आप निकल जाएंगे। एंड इसी के साथ साथ आप मुझे खुद पर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर कुछ योगा टीचर भी है, कुछ फिटनेस से रिलेटेड भी आप जॉब करते हैं, आपका बिजनेस मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, यह है आपकी रीडिंग। आपने सेलेक्ट किया है पेज ऑफ कप्स। तो आप उस टाइप के इंसान हैं ना फ्रेंड्स कि आप अपने प्यार में किसी भी हद से, आप अगर किसी से प्यार करते हैं, आपके बच्चे हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके हस्बैंड वाइफ लवर्स हो, तो आप उनके लिए कोई भी पॉसिबिलिटीज़, किसी कोई चीज़ अगर उन्हें चाहिए तो वो चीज़ों को पॉसिबल करके आप दिखाते हैं जो इम्पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा आप किसी से प्यार करते तो बहुत ज़्यादा डीपली उनसे प्यार करते हैं। एंड यही चीज़ फ्यूचर में भी रहेंगी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक एफर्ट्स तो आपने लगाया है तो उसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। और सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि आपकी एनर्जी क्या रहेंगी फ्यूचर में। ट्रूथ बी टोल्ड, कोई बहुत बड़ा ट्रूथ आपके सामने आएगा फ्रेंड्स, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बदल जाएगी। कोई बहुत बड़ा एक सच आपके सामने में आने वाला है एंड उससे तो आप शॉकिंग रहेंगे, लेकिन उस ट्रुथ को आप बहुत आसानी से एक्सेप्ट भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बोलेंगे कि क्यों मेरे साथ में हुआ है, या आप भगवान से क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं, आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जो है जैसा है, यू विल एक्सेप्ट इट। चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं कैसा रहेगा आपका करियर एंड कैसी रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ, ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आए हैं 7 of Pentacles, Ace of Cups एंड 7 of Cups। इसी के साथ साथ आए हैं 8 of Pentacles, ये रिवर्स में आया है 4 of Cups एंड 9 of Swords। तो यहाँ पर जो यहाँ पर साइंस आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे साइंस आ गए हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पर है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न पाइसेस स्कॉर्पियो कैंसर एरीज लियो सैजिटेरियस भी है एंड लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई भी यहाँ पर है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले मैं आपको आपके करियर की रीडिंग बता देती हूँ। करियर में कैसे 7 of Pentacles मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसी चीज़ की एक नई जर्नी, आप अपने फ्यूचर में एक नई जर्नी की स्टार्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कोई चीज़ें हैं, कोई एक नई जर्नी है जिसमें आप स्टार्ट करने का आपने मन बना लिया है ना, उसमें अब आप एफर्ट्स लगाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके फ्यूचर में। इसी के साथ साथ मुझे आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा साथ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
एंड करियर में आप एक बहुत साइनोश्योर मुझे लग रहे हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प भी आपके करियर में मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आप एक ही फील्ड में हेल्प कर रहे हैं, अगर आपका बिजनेस है तो आप उसके जितने भी आपके काम है ना, अगर कोई भी आपका बिजनेस है उसमें स्टार्टिंग से हमारी होती है सेलेक्शन होता है, देन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये सारी चीज़ों में आप इतने ज़्यादा महारथी मुझे लग रहे हैं कि आप सभी की हेल्प करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो भी आप यहाँ पर मुझे सबकी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप इस वक्त किसी भी फील्ड में हो। एंड यहाँ पे भी सेवन ऑफ कप्स मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, इतना सारा चीज़ें होने के बावजूद भी कोई एक चीज़ के अराउंड है ना आपकी लाइफ मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई चीज़ों को आप मिस कर रहे हैं अपने फ्यूचर में, कोई चीज़ आप पाना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर भी मुझे कप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी कप है ना, कोई अचीवमेंट का आप वेट मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो, उस चीज़ को अचीव करने के लिए है ना आप बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें भी मुझे जो भी चीज़ के अचीवमेंट अगर आपके दिमाग में है कि आपको कोई एक बहुत बड़ी डेजिग्नेशन चाहिए, आप कौन सा जन है, कुछ भी है, ये सारी चीज़ों में आगे भी मुझे मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के बहुत ज़्यादा क्लोज है आप फ्यूचर में, जो भी आपका टारगेट है उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज दिखाई दे रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फ्रेंड्स, देखिए जहाँ पर भी ना आपकी शादी होगी, या अगर इस वक्त आप सिंगल है तो जहाँ पर भी आपकी शादी होगी तो बहुत रिच फैमिली से आपके पार्टनर बिलोंग करेंगे। एंड इसके साथ साथ है ना आपका, कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पजेसिवनेस है, अगर आपकी लव मैरिज है बहुत ज़्यादा पजेसिवनेस था, वो चीज़ें आपकी चली जाएंगी, कुछ रियलाइजेशन ऐसा होगा आपको जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपकी चली जाएगी, पजेसिवनेस एंड ऑल। एंड कई सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपका फाइनेंस जो है उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर के आने के बाद में बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। एंड आपके सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में ही नहीं, जो आपके पार्टनर है वो लकी रहेंगे, आपके करियर के लिए भी, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, ओवरऑल जो है आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे तो उसी के साथ साथ आपकी एक नई चीज़ें शुरू होगी, आपकी ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी, एक नया जॉब या एक नया बिजनेस आपका शुरू हो जाएगा, ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। एंड आप में से कई लोग हैं जिन्होंने प्लानिंग तो करके रखी आपके बिजनेस की, लेकिन उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो जब भी आपके ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे तब आप इस प्लानिंग पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे, ये प्लानिंग भी आप अपनी फुलफिल करेंगे। देख लेते हैं आपका एक्स्ट्रा मैसेज क्या है। द टेम्परेंस, देखिए यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि कोई चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से उस पर वेट कर रहे हैं, यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि एक नई चीज़ें शुरुआत हो रही है, एंड वो जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी शुरुआत भी हो जाएंगी और आपके बैलेंसिंग उसमें बहुत अच्छी रहेगी। इसी के साथ साथ आपके करियर में और आपके पर्सनल लाइफ में भी आपकी बैलेंसिंग बहुत ही ऑसम रहेगी, बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ को बैलेंस करेंगे। चलिए आपके लिए मैसेज हम देख लेते हैं। ब्यूटी, तो ये भी मुझे लग रहा है आपके बैलेंस, मतलब इतने स्मूथली आप अपनी चीज़ों को बैलेंस करेंगे कि लोग उससे मेजमराइज हो जाएंगे, आपसे सीखेंगे, लोग आपके पास में आएंगे सजेशंस के लिए। एंड इसी के साथ साथ आप कहीं पर शिफ्ट भी हो सकते हैं, कहीं पानी के पास में, या फिर आप अपने गाँव में जा सकते हैं कुछ टाइम गुजारने के लिए, या फिर हो सकता है आप अपने गाँव में ही जो भी आपका गाँव है वहाँ पर कोई आप प्रॉपर्टी खरीद लें। प्रॉपर्टी खरीदने के मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।